तो गाइस हमारा अंडा बिरयानी हो गया रेडी। कितना टेस्टी, कितना यम्मी। आप लोग सोच रहे हो वाइट वाला नहीं है, ये जो मिक्स वाला है, मतलब वाइट नहीं दिखे। कितना टेस्टी दिख रहा, कितना यम्मी दिख रहा। तो गाइस देखिए उबल चुका हमारा ये। अब इसमें हम डालते हैं अंडा। देखिए अंडा था। तो गाइस देखो थोड़ा सा पुदीना, हमारा ब्लॉग थोड़ा कट कट बन रहा है। क्या करो गाइस, हमको तो भोजन मिल रहा है, लेकिन चाकू नहीं मिल रहा, तो क्या नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। दुनिया थोड़ा डाल देते हैं, हमारा सब्जी रेडी हो गया था। नहीं देखे तो ऐसे कोई कोई चावल ब्लैक के डालते हैं, लेकिन मैं तो बाद में डाल दूंगा। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और थोड़ा सा जितने सारा शरीर में, क्योंकि हम सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, मतलब खाए नहीं है। तो अभी बस क्या खाया, मतलब दो रोटी और अभी जस्ट झाल खीरा बनाया, मतलब खीरा चाट बनाया, तो वो खाया है, क्योंकि वो फ्रूट है, मतलब फल है, फल मतलब सब्जी है। सब्जी जितना खाओगे उतना अच्छा पेट में असर देगा, तो इसीलिए मैं पतला होने के लिए पूरा जुनून लग गया है शरीर में, तो इसीलिए। तो आज का हमारा नया रेसिपी भी आप सबका स्वागत है। आज का बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी रेसिपी बनने वाला है। तो मैं पहले बता दे रही हूँ क्या रेसिपी बनने वाला है। तो आज का रेसिपी है अंडा बिरयानी। तो कभी ट्राई तो नहीं किए, कभी बनाए तो नहीं, पर इस बार फर्स्ट टाइम मैं बनाना चाह रही हूँ। और कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, बहुत सिंपल। अगर कभी भी कोई मेहमान आ जाए, अगर घर में आप लोगों को वो डिश कुछ अच्छा अच्छा बनाने का, मतलब ज़्यादा बनाने का मन नहीं करे, तो ज़्यादा सिंपल तरीका से कैसे अंडा बिरयानी खिला सकते हैं, और जो मतलब जो आएंगे मेहमान, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं वही सिंपल सा, सादा सा, साधारण सा मैं अभी अंडा बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए बहुत सारा, मतलब पहले से हमारे घर में बहुत पहले अरवा चावल था, मतलब वाला, तो देख सकते हो। तो हम इसको भिगा के रखी हुआ, देखिए अरवा चावल भिगा के रखी हूँ, यानी कि इंडिया गेट वाला खुला लेकर, एक खुला बहुत दिन का है, मतलब 2 महीने पहले का है। तो मैं सोचा चलो बना, सिर्फ अभी लेकर आई हूँ अंडा आलू उबाल रही हूँ। अंडा बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन उसमें आलू भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि बिरयानी में आलू खाना अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे खाएंगे। मैं उनके लिए भी बना रही हूँ, और आप एक क्या ब्लॉग भी मिल जाएगा हमारा रेसिपी का। चलिए आप सब बने रहें, सब जुड़े रहें। अंडा उबल गया है, तो अंडा अभी बच्चे लोग दोनों मिलकर छील रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम काट लिए हैं प्याज बारीक, और मिर्चा, नींबू, टमाटर, और एक तेज पत्ता, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिए हैं। और यहाँ पे आलू उबलने दे रहे हैं, और ये देख सकते हैं चावल हम भिगा के रख लिए, और पानी जितना है फेंक दिए। अभी बस इसको बनाना दे रही हैं, क्योंकि आलू उबलने के बाद ही हम इसको बना पाएंगे। तो गाइस हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, और इसको हम इस तरह आना पड़ा, इसलिए क्योंकि ना वहाँ को इंडक्शन ऐसे चल रहा था ना, कि हम कुछ करने ही नहीं सक रहे थे। अपना प्याज एक बार जल गया, फिर दोबारा उसको फेंके, फिर दोबारा फिर प्याज काटे, फिर हम इसको काट के फ्राई किया। गाइस पता है हम इतना परेशान हो जाता हमको, और सबसे बड़ा बच्चा लोग एक चीज़ किया, हम लोग अंडा छीला था, अंडा क्या छीलेगा, वो लोग तो पूरा ही छीलते, मतलब सब बराबर कर दिया, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि छोटे बच्चे वो लोग नहीं जानते, तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो सारे सच में इतना मेहनत होगा, तुम्हें पता ही नहीं लगा, मेहनत कुछ नहीं है, एडजस्ट अगर अच्छा किचन रहता, अच्छा जगह होता, तो शायद तुरंत बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो मेरा थोड़ा मुश्किल हो रहा, फिर भी हम आप सबको ब्लॉग देने खोज रहे हैं। तो चलिए इसमें अंडा छोड़ते हैं, तो गाइस थोड़ा सा इसमें अंडा में हल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा रेड कश्मीरी मिर्चा रेड करने के लिए डाल रहे हैं, स्पीड है ना यार। थोड़ा लाल
संडा बिरयानी में क्या क्या डाल रहा देख सकते हैं, लौंग और इलायची और दालचीनी और जीरा और ये देखिए तेज पत्ता है। चलिए इसको डालते हैं। इसमें डालेंगे प्याज, उसको डालेंगे मिर्चा। आपको जितना मिर्चा खाना है उतना ही मिर्चा डालें, तो हम लोग डालेंगे 2, 3, 4, 5 मिर्चा डाल दिए। तो गाइस दो मतलब डेढ़ टमाटर काट करके डाल दिए। तो अभी देख सकते हो और थोड़ा सा इसमें हमें डालेंगे चॉप प्याज, फ्राई करके प्याज जो रखे थे वाला, ये देख सकते हो हमारा प्याज थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा बाद में डालेंगे। तो गाइस अच्छा से फ्राई हो गया और हमको ब्लॉग बनाना बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हम बना नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा पानी डालते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अकेले नहीं होता है ना, इतना सारा ब्लॉग भी करो, ऊपर से एक हाथ से पकड़ो। तभी हम नमक नहीं डाले क्योंकि एक बार राइस में डालेंगे नमक, महक तो बहुत अच्छा रहा लेकिन अब देखो बनता कैसे। हाय गोला से निकल चुका है।
अच्छा मैं तो बने रहे। अब इसको आँच हम लोग कम कर देंगे, नहीं तो दही फट सकता है। देख रहे हैं हम लोग का हो चुका है, मतलब हो चुका नहीं बाकी प्रोसेस। पानी डाल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी इतना ही डालेंगे। तो अब इसको हम लोग खोलने देते हैं, कैसा रहेगा खोलने देते हैं। तो इसको भी ढक देते हैं, ढक्कन भी नहीं मिल रहा, तो चलिए आप सब बने रहे तब तक। तो गाइस देख सकते हो हमारा ये सब रेडी हो गया, अब इसको हम लगाते हैं ढक, तब तक इसको 15 मिनट बाद छोड़ देते हैं, 15 मिनट देखते क्या होता है। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी जा रहा मेरा बेटी को सबसे पहले खिलाएंगे और पूछते हैं कैसे बना। पानी थाली में ले ली है, अब वो बताएगी कैसे बना। अच्छा रहा है। अच्छा कितना नंबर देना चाहोगी? 100% 100% निकल नहीं पाए ज्यादा में। अच्छा कोई लंगा वो चीज खा ली ना। तो गाइस देखो चलिए कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए।